हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रायु में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पुलिस की क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के ऑल पेपर के ऑल शिफ्ट के 50 क्वेश्चन लेके आए थे। इसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग हमारा खत्म हो चुका है, अब ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें कि हम पूरा आपको क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। तो दोस्तों, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज की क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने जा रही है। तो चलते क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन था, यहीं से स्टार्ट होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? 90 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग 1/2, दूसरा भाग 1/3 और तीसरा भाग 1/4 के बराबर है, तो दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा? बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल को करने से पहले आपको थोड़ा सा रेशियो के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन रेशियो का रखा हुआ है। इसमें चूंकि नंबर और सिस्टम में पूछा गया था क्वेश्चन ये, तो हम नंबर सिस्टम में लेके आए हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए रेशियो का। रेशियो क्या होता है? ये जो दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इसी को हम रेशियो कहते हैं। कोई भी बड़ा नंबर जैसे 25:40, इसको सबसे छोटे से छोटे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को हम कहते हैं रेशियो। काट के देख लेते हैं। हाँ, एक बात और, जो वैल्यू को इन दोनों लिखी हुई है, इन दोनों वैल्यू को काटना है तो एक ही नंबर से कटेगा, कभी भी दोनों नंबर से डिफरेंट नहीं कटेगा। एक कोई नंबर होगा, उसी से हम भाग देंगे दोनों को और दोनों को समान रूप से काटेंगे। ये कितनी बार जाएगा? 5/25 हो जाएगा और ये कितनी बार जाएगा? 8/5 40, यानी इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 5:8। समझ आया? कहने का मतलब कि 5 एक ऐसी संख्या थी कि इसको भी डिवाइड कर रहा था और इसको भी डिवाइड कर रहा था। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसको हम 5 से डिवाइड कर दें और इसको हम 2 से डिवाइड कर दें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड करना, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी रेशियो पढ़ेंगे तो पूरा मैंने आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर में ऐसे क्यों लिखा जाता है और क्या होता है इसके बारे में। बस आप इतना ध्यान दीजिए कि रेशियो का मतलब होता है बटे, यानी कि डिवाइड देना। अब डिवाइड देंगे तो इतना तो आपको मालूम ही है कि दोनों एक ही संख्या से कटेगा। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब एक और चीज बता दूं जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से करने में दिक्कत ना आए। चलिए, कभी भी ऐसा लिखा हो 1/1/2 रेशियो 1/3 बराबर, मैंने लिख लो बराबर 1/4 बराबर 1/5, ये लिखा हुआ है, इसको हमें रेशियो में चेंज करना है। समझिएगा बात को, ये लिखा हुआ है और इसको हमें रेशियो में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो नीचे वाली संख्या दिख रही है ना, इसको ऊपर लेके आ जाना है। क्या करना है? इसको ऊपर लेके आ जाना, यानी 2:4:5, ये बस रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ, ये मैं आपको रेशियो में पूरा बताऊंगा। रेशियो एंड परमुटेशन पढ़ेंगे, जो अनुपात और समानुपात, उसमें मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। बस आप इतना ध्यान रखो कि ये बराबर होता है ना, तो बराबर का मतलब क्या है? जो नीचे वाली संख्या होती है ऊपर चली जाती है। क्लियर? अब आप सोच रहे हैं, सर जी ये तो बात आपने सही कह दिया, बट ऊपर वाली संख्या होती तो फिर क्या होता? तो कुछ नहीं होता यार। देखिए, मान लीजिए ये होता, ये 4:5:7 होता, इसको हमें रेशियो में चेंज करना होता, तो क्या करते? इस संख्या को नीचे ले आते, यानी 1/4:1/5:1/7, ये हो जाता। क्या हो जाता? ये सिस्टम हो जाता। यहां तक क्लियर हुआ? बस ये क्वेश्चन इसी पर आधारित है। कैसे आधारित है, अभी आपको पता चलेगा। चलिए, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी आपको करने में। चलिए अब समझिएगा बात को। पहला भाग क्या है? 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/4 के हैं। क्या है? 1/4, ये लिखा हुआ है। 1/2 बराबर 1/3 1/4, मैंने अभी आपको बताया कि इसको रेशियो में चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या ऊपर लेके चले जाते हैं, यानी 2:3:4, ये हमारे पास आ गया। ये कोई 2:3:4 में कोई संख्या बटी हुई है। इन तीनों का योग क्या होगा?
तो आप तुरंत कहेंगे सर 9 होगा, मैं भी कहूंगा हाँ 9 ही तो होगा, बात तो सही है, 4 3 7 और 2 9, 9 है, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 90 है ना भाई। ये तीनों रेशियो किस में बटे थे? 90 रुपए में तो बटे थे वो भाई, टोटल जो पैसा था 90 रुपए था, 90 रुपए का तो ये तीन भाग में बटा था, तो वही चीज तो मैं कर रहा हूं, ये तीन भागों को मैंने टोटल जोड़ दिया, हमारे अनुसार तो 9 रुपए आ गया, बट क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ कह रहा है 90 रुपए है भाई, हमारे अनुसार तो 9 रुपए है बट क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ कह रहा है वो 90 रुपए है, इससे कितना गुना? तो आप तुरंत कहेंगे सर 10 गुना, जब ये इससे 10 गुना है तो ये भी इससे 10 गुना होगा, ये भी इससे 10 गुना होगा और ये भी इससे 10 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आप चाहो तो जोड़ के देख सकते हो क्या ये तीनों 90 आ रहे हैं, आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, आपको भी तो पता होना चाहिए, यानी 20 प्लस 30 प्लस 40, तो आप तुरंत कहेंगे हाँ सर 90 हो रहा है, तो 90 रुपए तो है हमारे पास भाई, कोई वस्तु 90 रुपए हो या कोई 90 वस्तु हो, कोई भी चीज एनीथिंग 90 तो थी वो, उसी में तो ये बटा था तीनों का, तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि 20 30 और 40 के रेशियो में इन लोगों को बटा होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? बस यहां तक क्लियर हो गया तो पूछ क्या रहा है ये पूछ रहा है दूसरे और तीसरे का योग कितना होगा, यानी कि इसका और इसका योग कितना होगा, तो इसका कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? 40 आ रहा है, यानी कि 30 प्लस 40 बराबर कितना हो गया? 4 3 7 70, 70 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? कुछ नहीं था यार, अभी रेशियो का केस था, रेशियो में इन तीनों को देखा गया तो हमारे अनुसार तो 9 आया, बट क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है? 90 आ रहा है, इससे कितना गुना है? 10 गुना, तो ये भी तो 10 10 गुना होंगे, जब ये 10 10 गुना होंगे 20 30 और 40 हो जाएंगे, यानी कि दूसरा और तीसरा हमें पूछ रहा है, यानी 30 प्लस 40 यानी कि 70 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, चले आगे। चलिए अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यदि संख्या P 2 से विभाजित है और Q 3 से विभाजित है। देखिए ये क्वेश्चन जो कह रहा है ना कि कोई संख्या होगी एनीथिंग, कोई भी संख्या 100 150 250 कुछ भी हो एनीथिंग, हमें नहीं मतलब है, बस हमें ये मतलब है कि कोई P संख्या है वो 2 से डिवाइड है भाई, होगी कोई 2 से डिवाइड, और एक संख्या है वो 3 से डिवाइड है, यानी कि Q जो है वो 3 से डिवाइड है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कथन दिया हुआ कि आखिर में चार ऑप्शन दिए हुए हैं जैसा आपको दिख रहा होगा कि इनमें से कौन सा सही है ये पूछ रहा है, तो आप ये पहला बताइए, पहला जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है क्या लिखा हुआ वहां पे? P प्लस Q बराबर 6 है, यानी कि 6 से विभाजित है कि नहीं, विभाजित की बात कह रहा है, बराबर कहता तब तो भाई बात तो बन जाती, चलो भाई ठीक है, बट बराबर वो कह रहा है तो बराबर कैसे होगा ये चीज हमें फाइंड करनी है भाई, विभाजित कह दिया यहाँ पे, ये बराबर से मतलब नहीं है मुझे, विभाजित से मतलब है, विभाजित का नियम क्या कहता है पहले तो आप ये बताओ, 6 का नियम क्या कहता है? 6 का नियम यही कहता है कि हमें दो टुकड़ों में तोड़ के दे दो, यानी 2 × 3 में दे दो, तब तो मैं डिवाइड हो जाऊंगा, यानी 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब तो ये जाके 6 से डिवाइड होगा। यहां तक क्लियर हुआ भाई? विभाजित का मतलब तो यही हुआ ना 6 का, कि भाई मुझे 2 और 3 का भाई मल्टीप्लाई दे दो तो मैं विभाजित हो जाऊंगा, बट यहाँ तो प्लस का दे रहा है तो ये तो होना नहीं है, कंफर्म है भाई, प्लस का मतलब हो गया, यहाँ तो प्लस कर दिया ना क्यू और क्यू भाई, यही तो कह रहा पी इंटू क्यू ही तो कह रहा है यहाँ पे भाई, पी जो है 2 से डिवाइड है और क्यू जो 3 से डिवाइड है, यानी कोई ऐसी संख्या होगी दोनों जो कि 6 से डिवाइड होगी, तभी तो वो बात बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। चलिए यानी इसका आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा थर्ड? देखिए थर्ड जो दे रहा है पी इंटू क्यू बराबर 6 से विभाजित है, यानी कि थर्ड आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? पी इंटू क्यू 6 से विभाजित है, बात तो सही है हमारी, अभी मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि 6 जो होता है वो किससे किससे होता है, 2 और 3 से होता है, यही चीज तो कह रहा है, पी इंटू क्यू तो कह रहा है, बस क्लियर हो गया यहाँ पर।
क्लियर हुआ? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बच्चे बहुत फंसे थे इस क्वेश्चन में। चलिए आगे चले, चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ, यदि 6 अंकों की संख्या 15x 1y 2 संख्या 44 से विभाजित है तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 22वां नंबर क्या कह रहा, 15x 1y 2 44 से विभाजित है, किससे है, विभाजित है किससे, 44 से। ये दिया हुआ है, तो मैंने आपको रूल एक बताया था, 11 का रूल बताया था, और किसका बताया था मैंने, 11 का बताया था, और मैंने एक और रूल बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, 4 का रूल बताया था ना, बताया था। इस क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो देखते हैं, तो 44 जो लिखा हुआ है वो कौन कौन से संख्या से मल्टीप्लाई बनके बना हुआ है, तो मैंने देखा तो 11 और 4 का मल्टीप्लाई यदि कर दूं तो 44 मेरा बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी 22 × 2 भी तो मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा, तो मैं कहूंगा हाँ यार आपकी बात तो बहुत सही है, क्यों नहीं बनेगा, बहुत सही बात है आपने बताया। बट एक बार आपने कुछ सोचा क्या, डिजिबिलिटी रूल हमें क्या क्या मालूम है, 11 का मालूम है, 4 का मालूम है, 2 का मालूम है, 8 का मालूम है, ऐसे करते करते 11 तक मालूम है, 22 का तो नहीं मालूम है ना। तो आप कहेंगे सर जी इसको 11 × 2 भी तो कर दीजिए, तब तो आप कर ही लोगे। तो मैं कहूंगा भैया आपको ये दो भागों में तोड़ना है, तीन भागों में नहीं तोड़ना है, ओनली 2 times, दो भागों में तोड़िए आप इसको, तो दो भागों में या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा, तो इनको ना लेके मैं इसको ले लूंगा, क्यों, क्योंकि डिजिबिलिटी रूल मेरे पास 11 और 4 का है। क्लियर, चलिए अब देखिए, अब हमें एक बात बताइए कि 4 का डिजिबिलिटी रूल सबको मालूम है, मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया, बताया था ना कि 4 का रूल ये कहता है कि लास्ट की संख्या जो होती है 2 digit, या तो वो 4 से पूरी तरह विभाजित हो या तो 00 उसके पीछे लगा हो, 2 संख्या लास्ट की। तो ये हम लिखे जैसे है, तो देखिए 15x 1y 2 लास्ट की 2 digit हमारी ये है, तो आप कहेंगे हाँ, तो वाई और 2 इसको पूरा पूरा हमें 4 से विभाजित करना है, तो ये वाई की जगह क्या ऐसा चीज रख दे कि पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो आप कहेंगे सर जी 1 रख दीजिए, 1 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। मैं कहूंगा बात तो सही है आपकी, क्यों गलत है, यानी 4 में जैसे ही यहाँ पे 4 का भाग देना था तो मैंने जैसे 1 रखा और 2 रखा तो मैंने देखा ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 बार में, होगा ना, तो वाई बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, वाई बराबर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा ये बताओ 11 का डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप तुरंत यही बोलेंगे कि सर जी कुछ नहीं करना, अल्टरनेटो को जोड़ दीजिए और देखते हैं कि दोनों बराबर पक्ष आते हैं, यदि बराबर पक्ष आता है तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। ये तो 11 का केस आता है कि 11 की जो संख्या भाग चली जाती है जिन संख्याओं में, यदि वो भी आ जाता है तब भी 11 का वो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये आप कहोगे तुरंत। तो मैंने चेक किया तो 15x1y 2 लिखा हुआ था, तो 15x 1 1 और 2 ये तो हो जाएगा, कुछ और होगा, तो आप कहेंगे नहीं सर यही होगा भाई, y की जगह 1 रख दिया मैंने। अब अल्टरनेट जोड़ लीजिए, इसको इसको और इसको इसको इसको, ये तो जोड़ेंगे, यानी कि 2 + x = 8, ये तो होगा। अब x की जगह क्या रख सकते हैं, x की जगह 6 रख दें तो ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी, यानी 2 + 6 रख दें बराबर 8 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, काट सकते हैं आप, यानी हमें पता चल गया क्या कि x बराबर 6 हो गया और y बराबर हमारा 1 हो गया, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे सर x प्लस वाई हमारा जो हो जाएगा 6 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7, और यही इसका आंसर हो जाएगा। है सिंपल सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। चले आगे, चलिए 23वां नंबर पर चलते हैं। तेईसवां नंबर क्या कह रहा है, यदि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरह विभाजित है तो x के स्थान पर सबसे
छोटी पूर्ण अंक संख्या क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 23वां नंबर। आ जाओ देखो, 1005x4 ये लिखा हुआ है। ये किससे डिवाइड था? हमारा 8 से डिवाइड है। अभी मैंने आपको रूल बताया था, यही बताया मैंने कि 8 पूरी पूरी तब विभाजित करेगा जब लास्ट के तीन डिजिट, लास्ट के तीन डिजिट जो होती है वो 8 से पूरा पूरा भाग हो जाए। यदि वो पूरा पूरा भाग चला जाता है तो कन्फर्म है कि वो संख्या पूरी पूरी 8 से भाग चली जाएगी। यानी लास्ट के तीन डिजिट मैं चेक किया, यानी 8 को लास्ट के तीन जो डिजिट है उसको मैंने चेक किया। अब एक्स का कुछ ऐसा मान रखो आप कि पूरा पूरा चला जाए, तो 1 रखेंगे नहीं जाएगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं जाएगा, 3 रखेंगे नहीं जाएगा, 4 रख सकते हैं तो चला जाएगा। यानी एक्स बराबर यदि आप 4 रखो तो कन्फर्म है कि यहाँ पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या रख देते, 4 रख देते हैं, 4 रख दिया, 48 ये तो होगा, कितना बच जाएगा ये? तो आप कह देंगे सर जी इसमें बच जाएगा 6, ये तो बचेगा भाई, 6 तो बचेगा। तो हम कहेंगे हाँ, 8 हटो 64 और ये पूरा पूरा चला जाएगा। यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा। क्लियर? कुछ सवाल में नहीं था, बस ये निकालना था। चले आगे, चलिए देखिए, एक तरह से रिवीजन क्लास है, क्योंकि मैंने आपको ये पूरे क्वेश्चन बता चुके हैं तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। और जो हमारे पहली बार क्लास देख रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें, और एक लाइक तो जरूर बनता है, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं तो एक लाइक जरूर करिएगा। और जो नए बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं वो हमारा पिछला लेक्चर जरूर देखें। चलिए, ये क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज आपको समझना पड़ेगा, क्या देखें, मैं यदि कहूं कि 2 × 2 × 7 तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे 4, ये तो कहोगे भाई 4 × 7 ही तो कहोगे, कहोगे ना 7 कहोगे। मैं यदि कहूं कि ये ना करके 2 × 2 × 7 कह दूं तो क्या गलत होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो गलत नहीं हो सकता है। बस इतना ही तो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो समझ लीजिए अगले क्वेश्चन आप कर लोगे। कैसे करना है देखिए, लिखा हुआ है 24वां नंबर, 7 8 1 + 7 8 2 + 7 8 3 ये लिखा है कि पूर्णता विभाजित कर देगी, कौन सी संख्या इनको सबको पूरा काट देगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 8 1 को आप कॉमन ले लो, तो बात तो सही है। क्या बच जाएगा, 1 + 7 की पावर 2, ये तो ऐसा 1 बच जाएगा ना, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 कॉमन हो गया तो यहाँ 7 बच गया और यहाँ क्या बच गया आपका 2, ये तो बचेगा। तो 7 8 1 1 + 7 + 7 = 49, यही तो बचेगा कि कुछ और बच जाएगा, यही बचेगा, यही बचेगा ना ये। भाई आप ही सोचिए, इसको मैंने बाहर ले लिया, इसकी जगह 1 आ गया, यहाँ हमारा 2 आ गया, भाई 7 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो गया, ये पूरा पूरा ले लेते तो यहाँ 7, भाई यहाँ तो 1 की पावर ही तो आएगा, पावर 1 आ गया, यहाँ पावर 2 आ गया, तो कितना हो गया हमारा 49 × 50 = 50 × 2 = 50 × 7 = 57, यानी 81 की पावर कितना हो गया, 57, ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं डाउट है, नहीं डाउट है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 की पावर यदि 2 कर दूं और 7 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे नहीं। अब मैं इसे कहूं कि कोई ऐसी संख्या हो कि ये कट जाए, कौन, 7, तो यहाँ पे यदि ये 7 होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, बचेगा ना। तो सेम वही चीज, यानी कि पूरा पूरा कटना है तो कन्फर्म है कि ये कटेगा तभी आगे बात बनेगी। तो ऑप्शन 1 क्या दिया हुआ है, 57 दिया हुआ है, तो 57 क्या है, 57 से 57 पूरा चला जाएगा। तो आप कहेंगे हाँ, यानी पूरी तरह से ये विभाजित होगी, वही संख्या तो यही विभाजित करना हमें, यानी ये संख्या हमें देखना, तो ये पूरा पूरा ये चला जाएगा, यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 57। क्लियर हुआ? चले आगे, चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन।
अब यहां से प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य संख्या में कितने फैक्टर होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि दो फैक्टर होते हैं। अब फैक्टर क्या होते हैं, तो आप पहले तो ये समझो फैक्टर कितने होते हैं, दो होते हैं। ये हमारे कौन सा क्वेश्चन है, 25वां नंबर। फैक्टर कितने होते हैं, दो होते हैं। फैक्टर कहने का मतलब कि जो पूरा पूरा डिवाइड कौन सा संख्या करेगा कि अभाज्य संख्या बन जाए। जैसे तीन है तो तीन क्या, तीन एक अपने से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, जाएगा ना, तो एक फैक्टर तो ये बन गया। और एक तीन है जो एक से पूरा पूरा चला जाएगा, यानी एक फैक्टर ये बन गया, यानी टोटल कितना फैक्टर है, दो। अब इन दो के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं होगा जो कि ये अभाज्य संख्या को काटे। जब कटेगा नहीं तो वो फैक्टर आगे बनेगा नहीं। यदि वो संख्या कटती है तो वो अलग केस हो जाता है, क्या हो जाता है, वो अलग केस होता है। क्लियर, चले आगे 26वां नंबर क्वेश्चन। यानी फैक्टर हमारे कितने हो जाएंगे, दो फैक्टर हो जाएंगे इसके। अब लिखा हुआ है अभाज्य संख्या का पहला अंक कौन सा है, तो पहले तो ये बताइए प्राइम नंबर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। मालूम है ना, जो नए बच्चे उनके लिए समझ लीजिए। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, डेट एड्रेस ऐसे होता है। अब आप सोचेंगे सर जी दो क्यों हो गया, दो संख्या आप बताओ किससे किससे कटेगा। तो आप कहेंगे सर जी दो तो अपने से कट जाएगा, बात तो सही है, और दो जो है एक से भी कटेगा, बात तो सही है। फैक्टर कितने हैं, दो है ना। तो आप कहेंगे सर जी एक भी तो ऐसा हो सकता है, तो मैंने कहा चलो एक देख लेते हैं, एक अपने से तो कट जाएगा, क्या और कोई संख्या है जो इसको काट सकता है, नहीं काट सकता, यानी ये प्राइम नंबर होगा ही नहीं हमारा। यानी प्राइम नंबर हमारा कहां से चलेगा, दो से चलेगा, स्टार्ट होगा। यानी प्रथम प्राइम नंबर, 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम प्राइम नंबर कौन सा है, तो प्रथम प्राइम नंबर यानी सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है। तो आप तुरंत कहेंगे कि सर जी पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, दो है, यानी कि पहला प्राइम नंबर क्या है, दो है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे चले, चलिए 27वां नंबर क्वेश्चन। अभाज्य संख्या का पहला अंक सम संख्या है या विषम संख्या है। यानी 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहली संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या। तो मैंने अभी बताया 2, 3, 5, 7, 11 डेट एड्रेस, तो पहली संख्या हमारी क्या है, तो आप कहेंगे सर जी सम संख्या, इवन नंबर है, यानी क्या है हमारा, सम संख्या है। पहली संख्या क्या है हमारा, सम संख्या। क्लियर, चले आगे 28वां की ओर, चलिए 28वां देखते हो। अट्ठाईसवां नंबर क्या कह रहे हैं, दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। 28वां नंबर, अब दो अभाज्य संख्याओं का योग चेक करना है, तो पहले तो हमें एक बात बता दें कि प्राइम नंबर तो मैंने आपको बता दिया, प्राइम नंबर तो आपका बता दिया कि दो फैक्टर होने चाहिए। क्लियर, यदि दो से अधिक फैक्टर होते हैं, तीन फैक्टर होते हैं, चार होते हैं, दस होते हैं, पंद्रह होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं, जैसे एक सिंपल सा चार ले लेते हैं, चार को चार एक बार ये एक फैक्टर हो गया, फिर चार को दो से भी कट सकता है, ये दो फैक्टर हो गया, और चार एक एक से भी कट सकता है, ये तीन फैक्टर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। यानी एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, और एक फैक्टर ये हो गया, यानी इसमें क्या हो गया, तीन फैक्टर हो गया। तो ये क्या है, कंपाउंड, कंपाउंड नंबर है। इनको क्या कहेंगे, ये दो से अधिक फैक्टर होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड नंबर कहते हैं, यानी कि मिश्र संख्याएं कहते हैं, क्या कहते हैं, मिश्र संख्याएं कहते हैं। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, वो ये कह रहा है कि इनका योग क्या होगा, प्राइम नंबरों का योग क्या होगा। तो प्राइम नंबर का योग देख लेते हैं अब क्या होगा, बस ये चीज आपको क्लियर हो गई तो समझ लीजिए अपना क्वेश्चन खा गए। प्राइम नंबर आप जानते हो, दो और तीन प्राइम नंबर होता है, तो इनमें कितना बच गया भाई, दो और तीन में कितना बच गया, एक बच गया, बच गया ना एक। तीन और पांच में कितना बच गया, दो बच गया, बच गया ना। उसके बाद मैं कहूं, आप समझिएगा बात को, पहले
भाई तीन और दो यदि माइनस कर रहा हूं, अभी माइनस का केस बता रहा हूं समझिएगा, यदि माइनस करते तो ये बनता है, यानी कि आप ही सोचिए ना कि इन दोनों माइनस करते एक बच गया, इन दोनों प्लस माइनस करते दो बच गया ना। अब योग की बात समझिए, योग जैसे दो और तीन कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जी पांच हो गया, मैं कहूंगा हाँ बात तो सही है। तीन और पांच कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर जी तीन और पांच आठ हो गए। अब हमें एक बात बताइए कि ये पांच लिखा हुआ है तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं, ये क्या है एक कंपाउंड नंबर है ना, तो आप कहेंगे हाँ आठ क्या है, आठ अपने से भी जाएगा, फिर आठ एक चार से भी जाएगा, फिर आठ हमारा दो से भी जाएगा और आठ हमारा एक से भी जाएगा, यानी ये क्या है कंपाउंड नंबर है। यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा कि ये संख्या एक कंपाउंड नंबर भी हो है और प्लस हमारा क्या है प्राइम नंबर भी हो सकता है। क्लियर, मैंने दोनों केस बता दे क्योंकि आगे भी क्वेश्चन माइनस ही वाला आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा कि एक तो प्राइम नंबर होगा और दूसरा कंपाउंड नंबर होगा, यानी प्राइम नंबर भी हो सकता है और कंपाउंड नंबर भी हो सकता है। क्लियर, आगे चले, चलिए 39 नंबर को सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन सेम यही है, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया यदि अंतर की बात करें तो दो और तीन है, इन दोनों का अंतर क्या वन है, तीन और पांच है, इन दोनों का अंतर क्या दो है ना, पांच और सात है, इन दोनों का अंतर क्या हमारा दो है, यानी प्राइम नंबर तो बना रहा है बट एक तो अपने से केवल भाग हो रहा है ना, तो ना तो ये प्राइम नंबर होंगे और ना ही कंजुगेट नंबर होंगे, इनका उल्लेख नहीं कर सकते हैं, इनका उल्लेख नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एक आ गया ना यहां पर क्लियर, भाई मान के चलते प्राइम नंबर तो आपने कह दिया हो सकता है बट एक का क्या किया जाए, यहां तो ये मैटर फंस रहा है ना, इसीलिए इसका उल्लेख नहीं हो सकता। क्लियर, आगे चले, चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसवां नंबर, यहां से नंबर ऑफ जीरो आ गया, क्या आ गया नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए कि आखिर में नंबर ऑफ जीरो कैसा किया जाता है। हमें ये बताइए पांच और तीन है, क्या इसमें कोई आपको जीरो दिखा, नहीं दिखा, मैं कहूं तीन और दो है क्या इसमें आपको जीरो दिखा, तो आप कहेंगे नहीं दिखा सर, सात और दो है इसमें कहीं जीरो दिखा, नहीं दिखा, बट मैं कहूं कि पांच इंटू दो है इसमें जीरो दिखा, तो आप कहेंगे हाँ सर इसमें तो जीरो दिखा, मैं कहूं कि पांच इंटू पांच सॉरी पांच इंटू दो और पांच इंटू दो है इसमें जीरो दिखा, तो आप कहेंगे हाँ सर इसमें दो जीरो दिख गया, यानी यहां से आपको एक बात पता चल रही होगी कि कहीं पर भी ये दो फैक्टर मिल जाए, यानी कि पांच और दो का कोई एक फैक्टर मिल जाए तो कंफर्म है कि हमें एक जीरो मिलके रहेगा। इन दोनों का यदि ये देखे, ये दोनों है ना पांच और दो, पांच और दो यानी एक ये फैक्टर हो गया और एक ये फैक्टर हो गया, यानी कि दो जीरो हमें यहां मिल गए। इसके बाद कोई संख्या आप ले लो कभी जीरो नहीं बनाएगा। क्लियर बात, बस इतना ही आपको नॉलेज लेनी थी। चलिए अब देखिए 31वां नंबर क्वेश्चन, इकतीसवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है टू इंटू सेवन इंटू फाइव इंटू नाइन इंटू फाइव। अब मैं इसमें कहूं कि इसमें कितने जीरो है, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी ये और ये एक फैक्टर बना रहा है, यानी एक पेयर हमारा बना रहा है, यही तो एक पेयर बना रहा है, यानी एक पेयर बना रहा है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हमारा जो हो जाएगा एक हो जाएगा। क्लियर भाई, यही तो बना रहा है, एक ही तो जीरो बना रहा है यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करके देख लो सब जीरो ही बनते जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं बनेगी, ए सॉरी उसके बाद हमारा क्या होगा एक ही जीरो बन के आएगा, कितना भी आप कर लो एक ही जीरो बन के आएगा, करके देखोगे, करके देख लो 70 होगा, 35 होगा, कभी जीरो बनेगा ही नहीं, ओनली वन जीरो बनेगा एक केवल, करके आप देखिएगा फिर हमें बताइएगा कितने जीरो इसमें बन रहे हैं। चलिए
32वां नंबर क्वेश्चन। बत्तीसवा, 5 × 4 × 25 × 8 × 9 × 7। अब आप सोच रहे होंगे सर जी इसमें तो दो है ही नहीं तो कैसे बनेगा। कोई बात नहीं, इसको तो हम तोड़ सकते हैं ना 2 × 2 में। तो आप कहेंगे हाँ, इसको 5 × 5 में तोड़ सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ, इसमें हम 2 × 2 × 2 तोड़ सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, बाकी तो नहीं है। नहीं है तो हमारे पास कितने 5 हो गए, एक ये 5 आ गया, एक ये 5 हो गया और एक ये 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 कितने 0 होंगे। नंबर ऑफ 0 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 5 आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। ये नंबर ऑफ 0 कितना हो जाए भाई, पेयर बनाना 5 और 2 का। 5 और 2 का हमारे पास पेयर कितने हैं, 3 पेयर है। एक मिनट, 1, 2, 3 सॉरी 3 पेयर है हमारे पास। कितना है, 3 पेयर। तो नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। भाई आप ही देखिए, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, बाकी 2 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। कितने भी 2 हो, कितने भी 5 हो, बस पेयर जितने बनेंगे उतने ही 0 बनेंगे। मैं आपको पहले ही बोल दिया था ये बात, क्लियर। चले आगे, चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, वो समझिएगा। जैसे ये लिखा 1 × 2 × 3 × 9, इसमें मैं आपसे पूछूं कि कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, तो आप कहेंगे सर जी इसमें नंबर ऑफ जीरो चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो चेक करके देख लेते हैं। 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, 2 तो बहुत सारे मिलेंगे हमें, बट 5 हमें केवल एक मिला ना, केवल एक। इसका पेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 1 0 आ जाएगा ना, बात को समझेगा, 1 0 आ जाएगा। यानी 2 से हमें नहीं मतलब है, क्योंकि 2 तो बहुत सारे, तो उसको काम ही खत्म करो, केवल 5 ढूंढ लो। आप 5 ढूंढ लो तो आप क्लियर कर लोगे। तो आप कहेंगे हाँ सर, आप थोड़ा सा तो खुशी मिली आपको कि हाँ यार बात तो अच्छा है, सर ने बहुत अच्छा बताया। बट मैं यही बात कहूँ कि 99 तक, 2500 तक, 10000 तक, 1 करोड़ तक, उसमें 0 आप कैसे ढूंढोगे। तब तो आपको बहुत बड़ा मैटर फंस गया कि सर जी छोटा तो चलो मैं निकाल लूंगा, वो कैसे निकालूं। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, मुझे पता चल गया कि यहाँ पे 1 5 है। अब मैं आपसे कहूं कि लास्ट की जो डिजिट है, लास्ट की डिजिट है, इसको 5 का गुणनखंड कर दो, यानी 5 का इसका डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। यानी कि ये जो नीचे वाली जितनी संख्या होती है उन सबको, संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ जीरो बनाते हैं। कैसे, देखिए कितना 5 मिला मुझे, 1 5 मिला। यानी नंबर ऑफ जीरो क्या बनेगा, 1। नंबर ऑफ जीरो जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। ये चीज मैंने आपको पूरे क्लियर बता दिया था किसमें, नंबर ऑफ जीरो का। मेरा थोड़ा सा पिछला लेक्चर आप देखो तो उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा। क्लियर हुआ, चलिए अब देखिए। यानी कहने का मतलब, गुणनखंड किया जाता है कि जितने चले जाएंगे पूरा पूरा संख्या 5 से, वही उसका नंबर ऑफ जीरो बन जाएगा। चलिए अब देखिए 43 47 में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। यानी कि यह है 1 × 2 × 3 × 4 × 47। तो इसमें ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी, बट लास्ट की जो डिजिट है उसको 5 का गुणनखंड कर दो, उसमें जितने हमारे 5 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वही हमारा नंबर ऑफ जीरो बनाएगा। देखिए 47 है मेरे पास, इसको मैंने डिवाइड किया किससे डिवाइड किया, 5 से। 5 से जब डिवाइड किया तो ये क्या हो गया हमारा, 8 × 5 = 40, ये तो होगा। शेष जो है उसको काम खत्म कर दो, 8 × 9 = 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, 9। क्लियर, जो शेष आ रहा है उसको आप छोड़ दो, उससे कोई मतलब मत रखना, शेष हमारे दिमाग से निकाल दो कि शेष नहीं, ओनली पूरा पूरा जो भाग जा रहा है उसी को लेते हैं। यानी 9 बढ़ गया, फिर 5 का डिवाइड दिया तो 5 एकम 5 हो गया, कुल मिला के कितना हो गया, 10 होगा। ये नंबर ऑफ जीरो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ
जीरो हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी 10 हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलें। चलिए 34 की तरफ, वन इंटू टू इंटू थ्री डेट डेट एट 100 तक, इसका क्या होगा? तो लास्ट के डिजिट मैंने आपको बताया था, इसको ले लेते हैं। तो आप कहेंगे सर जी लास्ट में तो दो जीरो है, तो काम तो खत्म, दो जीरो हो जाएगा उसमें। आप ये बताओ दो जीरो कैसे होगा, अभी इसका होगा फिर इनमें भी तो बहुत सारे जीरो बनेंगे बनेंगे, तो दो जीरो कैसे हो जाएगा आप बताओ ना। तो क्या करते हैं, 100 का 5 से डिवाइड कर देते हैं, 20 पंचो 20 ये तो होगा, दोनों को जोड़ देगा तो कितना होगा 24। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो हमारा कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 24, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अब चलेंगे हम यूनिट डिजिट की तरफ। क्या चलेंगे, यूनिट डिजिट। अब देखिएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट सबको मालूम होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट क्या होती है, जो लास्ट की डिजिट होती है उसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। तो थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम यूनिट डिजिट आपको बताते हैं कि कैसे होगा। देखिए ये लिखा 25 इंटू 3, ये लिखा होगा, मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो आप कहेंगे सर जी मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं, 5 3 15 और ये 7 75 आ गया ना, बात को समझिएगा। मैं यदि कहूँ कि 45 इंटू 21, तब आप क्या कहोगे, तो कहेंगे हम 5 4 × भाई क्रॉस का निशान लगता है गुणा का, वही चीज़ है, 15 10 हंसे लगा 1 और 9, ये तो होगा, जोड़ा गया तो 5 4 9 ये होगा, तो आप कहेंगे हाँ। मुझे ये बताइए यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी यूनिट डिजिट ये होगा, मैं कहूँगा हाँ बात तो आपकी सही है यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी ये यूनिट डिजिट होगी, बात तो सही है। अब बात को समझिएगा, पकड़िएगा बात को, यदि मैं कहूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 × 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाए, 5 3 15, लास्ट की डिजिट हमारी क्या है, 5 है ना, यूनिट डिजिट तो लास्ट की डिजिट कहलाती है ना। अब मैं कहूँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 × 1 मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 5, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी 5 आ जाएगा, वही चीज़ तो है ही है, वही चीज तो है ये कि कुछ अलग है। यानी हमें यहां से एक बात पता ये चलती है कि यूनिट डिजिट कैसे पकड़ी जाती है, लास्ट के अंकों को मल्टीप्लाई करते चलो, या जो प्लस का निशान है तो यदि प्लस का निशान है तो प्लस के हिसाब से चलेंगे, वो तो बात की बात है, वो हम अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर पहले बाद में, बट पहले आप खाली ये समझो मल्टीप्लाई वाला केस कि लास्ट की जो डिजिटें होती हैं उनका मल्टीप्लाई आप करते चलो और आपको यूनिट डिजिट क्लियर मिल जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्टी फाइव नंबर देखिए लिखा है 273 × 432 × 461, ये लिखा हुआ है, लास्ट की डिजिट को पकड़ के चलते हैं, यानी लास्ट की डिजिट हमारी क्या है, ये और ये, भाई इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 2, तो 3 × 2 = 3, तो आप कहेंगे सर जी 6 हो गया, 6, और इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 6 × 1 बराबर क्या हो जाएगा, 6, यानी यूनिट डिजिट जो हमारी बन जाएगी वो क्या बन जाएगा, 6, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये चीज मैंने आपको सब पूरा मैराथन क्लास में पढ़ा दी थी, उसी बेस पर मैं आपको बताते चल रहा हूं, ये मत सोचिएगा मैं बहुत तेज चल रहा हूं, तेज चलने की बात ही यार, यदि आप पिछली क्लास देख लिए होंगे तो इसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आनी है, इसलिए हमारी पिछली क्लास जरूर आप देखो। क्लियर, चलिए 36 देखते हैं,
289 इंटू 437 इंटू 789 इंटू 886 ये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई कर ले, 9 7 63 लास्ट की डिजिट 3, 9 3 18 लास्ट की डिजिट 8, 8 6 42 लास्ट की डिजिट 2। ये यूनिट डिजिट हमारी क्या बन जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी यूनिट डिजिट तो हमारी बन जाएगी 2 बन जाएगी। क्लियर, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे चलें। चलिए सैतीसवा नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा प्लस वाला। ठीक है, मैं कहूं यदि 52 + 21 है तो आप क्या कहेंगे, 3 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। मैं कहूं 3 2 1 और 4 3 1 यदि मैं इसको कहूं जोड़िए आप, तो 1 1 यानी 2 भाई, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 3 2 5 और 4 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 3 7 ये तो होगा। इसमें लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी 3 है इसमें, तो मैं कहूंगा हाँ बात तो आपकी सही है। इसमें लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, तो आप कहेंगे सर जी इसमें लास्ट यूनिट डिजिट हमारी क्या है, 2 है। मैं यदि कहूं कि 2 + 1 कर दे तो 3 आ जाएगा, तो कोई बात तो गलत तो मैंने कही नहीं, यूनिट डिजिट वही चीज आ रही है हमारी जो ये आ रही है। इन दोनों को प्लस कर दें, 1 + 1 कर दें तो 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट वही आ रही है जो ये आ रही है। यानी एक बात हमें पता चला कि इतना गाथा में नहीं गाना है, लास्ट डिजिटों को पकड़ो प्लस करो और वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लिखा है 37, लिखा है 23 + 42 + 71। अभी मैंने आपको बताया क्या कि लास्ट की यूनिट डिजिटों को पकड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, भाई लास्ट की डिजिट तो यही है ना हमारे पास 6, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, तो आप तुरंत कहेंगे सर यूनिट डिजिट हमारी 6 हो जाएगी। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए 38वां नंबर क्वेश्चन, लिखा है 38वां नंबर क्वेश्चन, ये लिखा हुआ। अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट की यूनिट डिजिट को पकड़ी जाती है और आंसर निकाला जाता है, यानी लास्ट की यूनिट डिजिट क्या है हमारी ये, तो कितना हो जाए 6 1 7, लास्ट की यूनिट डिजिट ये 7 2 9, ये यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर जी 9 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं, ये चीज क्लियर है ना, क्लियर है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपको थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में समझना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था। चलिए पहले तो मैं एक बात बताई प्यारी सी, आप कहेंगे क्या, मैं कहूं कि 25 × 10 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 25 × 10 मत पूछो 250 होता है, मैंने कहा बात तो आपकी सही है। मैं कहूं कि 3 × 2 × 5 × 10, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी इसमें पूछने की बात ही नहीं है, मल्टीप्लाई कर लो 5 × 10 = 100 और 100 = 300 ये तो होगा, 5 × 10 = 100 और 300 जाएगा ये तो होगा। यानी लास्ट की यूनिट डिजिट हमारी क्या आएगी, 0। यानी यहां से आपको एक बात पता चली कि कितनी बड़ी भी सीरीज हो 4 × 5 × 9 × 10
तो ये लास्ट की डिजिट जीरो है या कहीं पर भी हमें जीरो दिख जाए तो लास्ट की डिजिट हमारे जीरो ही होगी। क्लियर हुआ, ये एक बात आपने समझ ली। अब मैं आपसे एक बात कहूं, समझिए थोड़ा सा फैक्टोरियल के बारे में समझिए। आप फैक्टोरियल जैसे ये लिखा है 9 फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या है, स्टॉप कर देना, 9 से आगे नहीं बढ़ाना, बस 9 तक लेना, जो संख्या दी है वहीं तक स्टॉप कर देना। कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, यानी 1 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, ऐसे करते करते 9 तक ही स्टॉप हो जाएगा। यदि संख्या 9 तक दी है, यदि 100 तक दी हो तो 100 तक स्टॉप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, इसके आगे संख्या ये नहीं बढ़ेगी। पहली बात तो आपको ये नोट करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल का मतलब वहीं पर स्टॉप हो जाना, उसके आगे नहीं बढ़ना, पहली कंडीशन। मैंने अभी आपको नंबर ऑफ जीरो में ये बताया कि कहीं पर भी 5 दिख जाए और कहीं पर भी 2 दिख जाए, यानी इनका मल्टीप्लाई 10 बनाता है, यानी कि 0 बना देता है। अब 0 का मल्टीप्लाई किसमें भी आप करते रहो, 0 ही बनाएगा, वो बनाएगा ना, बनाएगा, अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया। यानी कि आप बात समझिए, 5 फैक्टोरियल तक यदि देखोगे आप, तब तो देखो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, यानी कि यहाँ पे 0 हमारा बन गया। अब 5 फैक्टोरियल से जितना संख्या आगे, यानी 5 से लगा के जितनी संख्या अनंत तक फैक्टोरियल में है, तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। यहाँ पे बात आप नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 से लगा के अनंत तक, इन्फिनिटी तक, कितने भी नंबर फैक्टोरियल है, उनका नंबर इकाई अंक 0 ही होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 39 क्वेश्चन लिखा है, 4 × 2 = 7 factorial + 7 × 9 = 9 factorial + 8 × 3 = 27 factorial, ये लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि 5 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आ जाए मुझसे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि ये 5 के बाद वाला फैक्टोरियल यानी कि 0 ही बनाएगा। 0 ये 0 बनाएगा और ये 0 भी बनाएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, तो आप तुरंत कहेंगे सर जी 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। क्लियर, 14th नंबर। (4, 3, 9, 2 factorial + 7, 7, 8, 8, 7, 9 factorial) ये दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया आपको, इसका फैक्टोरियल 0 हो जाएगा और इसका फैक्टोरियल 0 हो जाएगा, यानी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, तो आप तुरंत कह देंगे सर जी यूनिट डिजिट हमारी 0 हो जाएगी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम होता जा रहा, बोरिंग आपको होने लगा होगा, तो इसीलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं और यहीं पे हमारा मैराथन क्लास समाप्त करते हैं। नंबर सिस्टम का क्यों करते हैं, क्योंकि क्यूब वाला और स्क्वायर रूट वाला तो आपको आता ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं, वो भी 2-4 क्वेश्चन है, वो आप खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों आज क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कोई टॉपिक लेके, उसका मैराथन क्लास देखेंगे, उसमें सब क्वेश्चन हम करवा देंगे, कोई आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।